वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। और वीडियो शुरू कर दे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रोशित कुमार। आई होप यू आर सिटिंग फाइन। कैसे हो भाई आप सब लोग? और ये मेरी थोरी आ गई है। और आज का व्लॉग लेट हो गया यार, क्योंकि मेरे को कहीं जाना पड़ गया था, इस वजह से मैं एक दिन लेट चल रहा है व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग ना इतना खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, बिकॉज अपनी हेला ना बीमार हो गई है यार। इसका एक तो वेट लूज होता जा रहा है, दूसरे इसने खाना भी छोड़ दिया है आज, मतलब की तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस दिक्कत हो गई है। खाना नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे तो इसकी मैंने दो तीन जगह बात करी है, और मैम जहाँ से ले गए थे उनसे भी पूछा है, तो वो कहते हैं कि अभी इसकी मेटिंग का टाइम आया हुआ है, क्योंकि चार हिट तो मिस हो गया इसकी, तो इस वजह से भी वेट लूज हो सकता है। बट अब इसने मैडम ने खाना ही छोड़ दिया है, तो एक बार। और दूसरी बात यार, हिसार में कोई कैट्स का डॉक्टर भी नहीं है, तो एक क्लिनिक है वहाँ, एक बार मैं लेके जाऊँगा। हाँ, लेके जाएंगे भाई, कुछ नहीं होता है लगो, तो फिर वहाँ लेके जाऊँगा, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये देखो बैठी है और कुछ भी, और इसने तो अभी शायद पाइप भी छोड़ दी यार, पाइप भी पूरी नहीं है। तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। सो दोस्तों, इन बच्चों को मैं दूध पिला रहा हूँ, और अब इन्होंने वैसे कटोरी में सभी पीना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हो। अभी कौन से को पिलाऊं? चलो मैं निकालता हूँ और उसको दूध पिलाते हुए दिखाता हूँ। एक्टिव हो गए हैं। आराम से पी ले पांदर से, मिनट नहीं लगाते। भाई एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से। उस तो काम वाली आंटी आई नहीं अभी तक, और मेरे से दूध निकल गया यार। मेरी मम्मी ठोकेंगे मुझे, ये देखना। मम्मी सॉरी, मैं ना काम कर रहा था तो निकल गया, मेरे को पता नहीं चला। और फिर मैं अभी साफ भी कर रहा हूँ, मैं सारा साफ कर दूंगा, बस गुस्सा मत करना। देखो मम्मी के साथ बैठे हैं, सारे छोटे छोटे, इनकी चादर चेंज करी है, और ये हमारे सारे छोटे छोटे बंदर। अच्छा पूछ लाना शुरू कर दी इसने। दोस्तों आप लोगों से सीरियस बात करनी है कि देखो भाई, हमारी मतलब कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है। दूसरा, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से हैला के भी नहीं है, और छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान देना है, तो बहुत ज़्यादा हसल हुई हुई है, मतलब घोच पोच सी हुई हुई है। करेंगे, कवर करूँगा इस चीज़ को भी। मम्मी पापा बहुत हेल्प कर रहे हैं भाई, मेरी इतनी हेल्प, ये जो कर रहे हैं ना, मैं इनके बगैर नहीं कर सकता था। सच्चाई है 101%, ठीक है भाई, ये सच्चाई है कि ये जो डॉग ये मैंने रखे हुए हैं, तो ये मेरे मम्मी पापा की बदौलत ही रख पा रहा हूँ मैं। देखिए देखिए, मेरे आगे से जाएगी। हेलो, मेरे आगे से तुम जा, थोड़ी तो शर्म कर ले, मेरे आगे से भाग रही है भाई। पता हमें है कि मतलब इसने खाना नहीं खाया कल से, और मम्मी बड़ी मतलब मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हुआ, मम्मी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मम्मी भी, मम्मी हो जाएगी ठीक है, अब डॉक्टर के लेके जाएंगे, क्योंकि भाई देखे भी इसको भी लेके जाना जरूरी है, फार्म पे भी भाई अभी मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मतलब उधर भी देखना पड़ता है ना, तो सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। सो इस वजह से मम्मी लेके जा रही है, मम्मी और पापा। कुछ के काम है, सारी मिट्टी खोद दी। अच्छा मौसम हुआ हुआ है आज, तो मैंने फैन भी नहीं चलाया हुआ, क्योंकि ठंड बहुत हो रही, मतलब अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो पेड़ हिल रहे हैं ना, तो और यहाँ पे बारिश भी हुई थी थोड़ी सी, सो बिना पानी दिए चल गया काम आज, तो मजा आ गया। ये ओ खुशी पकड़ी गई, सुसु कर रही है तू। इन्होंने अभी दही पी है। ये रूम भी खोल दिया मैंने पूरा। हाँ दोस्तों, एसी लग गया है, और ये रूम इसलिए खोला हुआ है, उसका फैन चलाया हुआ कि ठंडक हो जाएगी, और ये रूम तो वैसे ही बहुत ठंडा है। सब चीज़ें ये अपडेट है दोस्तों। सो अभी तक का ये मैं सही कर रहा हूँ, और इनको दही दिए, इन्होंने तो पी लिया दही, अब वो गुड्डू ने नहीं पिए दही, उसका मन कभी करता है कभी नहीं करता, उसको मतलब दही इतनी पसंद नहीं है गुड्डू को। तो जब तक आपके पास इना मीना है, तो आपका कोई खाना वेस्ट नहीं होगा, और ये बर्तनों में पैर रख देगी। चलो स्टे, ये लो ये लो ये लो ये लो। खुशी तू भी पी ले, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तेरे को डाल के दूँ, रुक जा। नहीं ये खुशी की है,
ये ना दही के अंदर पानी मिक्स करके दिया हुआ है तो ये अच्छा लिक्विड अच्छा ले लेते हैं। गुड्डू अपनी ट्रीट के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुशी पकड़ ली ना मीना ने और मैं रोक भी नहीं रहा, मैं इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि खुशी को पता चलना चाहिए, खुशी ने बड़े मारे इनके वो पूछ पकड़ दिए, इना इसको आगे से पकड़ रही है, मीना इसकी पूछ पकड़ रही है गुड्डू भाई, गुड्डू गुड्डू लड़ाई होगी इनकी, भाई ये गेम है, ये कोई इतना वो सीरियस वाली लड़ाई नहीं हुई है इनकी। दोस्तों आज आपसे बात करने का मूड था तो मैं आज आपसे बात करता हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ना अपने Q&A के लिए क्वेश्चंस डाल दो, अगर आप लोग जल्दी से 150,000 करते हैं अपने चैनल पे तो आप लाइव आके Q&A के जवाब देंगे, ठीक है। आए कभी कर लेते हैं आप, मैं या तो पोस्ट डाल दूंगा कम्युनिटी पेज में या फिर आप मुझे बता दो कि वीडियो के नीचे ही बताना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और दोस्तों आज का दिन बड़ा मेहनत वाला दिन था, आज का बहुत ज़्यादा मेहनत वाला दिन था, आज कई चीज़ें ऐसी हुई है जो मैं बता भी नहीं सकता, जो अच्छी नहीं है, मतलब लो टाइम चल रहा है भाई, लो टाइम चल रहा है और एकदम से ही आया है। जैसे कि हमारी हेलू है उसको खाना नहीं खा रही है भाई, मेरे को बड़ी टेंशन है, मेरे को क्या मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो अभी पापा गए हुए हैं उसको हॉस्पिटल लेके। दूसरा ये भी है भाई, हिसार में है भी नहीं कैट्स के डॉक्टर प्रॉपर कोई, अगर वहाँ यहाँ उसकी केयर नहीं होती प्रॉपर तो फिर अब मैं वापस दिल्ली या चंडीगढ़ लेके जाऊँगा उसे, कल लेके जाऊँगा सुबह सुबह। मेन एक तो ये सीन है भाई, एक और है बाकी आप लोग बस होप करो कि सब चीज़ें सही हो जाए जल्दी जल्दी और हमारे घरों में खुशहाली वापस आ जाए। हेलो खुश सही होगी तो वैसे ही वापस सब खुश हो जाएगा। वो ना पता क्या, वो वीक हो गई है क्योंकि वो खाना नहीं खा रही इस वजह से, बाकी मैंने टेम्परेचर वगैरह चेक करा उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही था, बट अब देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। और ना अपनी जो ट्रीट होती है ना, वो ग्रेवी वाली जो ट्रीट होती है वो नहीं छोड़ती थी, आज इसने वो भी नहीं खाई, बात ये है बस, तो इसलिए मुझे टेंशन हो गई है। और फार्म पे आया हूँ भाई, पीछे टेंट लगा हुआ है अपना, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, ये खेल के थक गए हैं, कूजो अंदर बैठा है और गुड्डू दिखाता हूँ आपको, गार्डिंग कर रहा है प्रॉपर, देखो प्रॉपर गार्डिंग कर रहा है गुड्डू, ये पूरा ध्यान है। गुड्डू क्या कर रहे बेटी, आ जा इधर, आ जा आ जा आ जा आ जा। जिसको नहीं पता कि गुड्डू कौन है तो गुड्डू हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है भाई, और ये डॉग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हाइपर एक्टिव था और इसने इवन अपने फैमिली मेम्बर्स को भी काट दिया था और इसको लास्ट मौका मिला हुआ था। और अब आप देख सकते हो कि ये मेरे साथ बैठ के प्रॉपर ये सोशल हो चुका है, और अभी तो इसके ये थेरेपी चल रही है और इसकी ट्रेनिंग भी चल रही है और ये चार साल कंप्लीट है, भाग गया वहाँ पे उसके साथ कुछ के साथ खेलने के, कुछ खेलना है इसको, आ जाए इधर आ जाए गुड्डू गुड्डू, और ये देखो ये नंबर गुड्डू देख फिर ऐसे नहीं, आ जाए इधर आ जा मेरे बेटे, सारी बात सुनता है गुड्डू, हाँ तो पौधे सारे खराब कर दे। तो भाई ये इसलिए आया हुआ है, अगर आप में से किसी को ट्रेनिंग करवानी है तो आप करवा सकते हो, हमारे पास भेज सकते हो डॉग को, बहुत अच्छे तरीके से हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जो बिगड़ेल डॉग हैं जो उनको भी सीधा कर देते हैं, प्यार से करते हैं। गुड्डो वो मेरा टेंट पे नहीं सुसु करना, आ जा आ जा आ जा आ जा गुड्डो, ये ले इधर चल, तो देख गेट पे देख के आ जा, पूरी गार्डिंग करता है ये, देखो अभी जाएगा ये और साइड में से देखता है, गेट के साइड में से बैठ गया ना। तो दोस्तों ये चल रहा है फार्म पे, अपने ये जो टैंक है इसमें सबसे इधर वाला जो टैंक है ना, इसके अंदर चिकलेट्स के बच्चे हुए हुए हैं और वो 40 के आसपास बच्चे हैं, तो वो छोटे बहुत सारे बच्चे हुए हैं। मेरे पास ना फ़ोन नहीं है दूसरा, तो नहीं तो मैं अभी मोहित आता है तो मैं फ़ोन लगा के फिर दिखाता हूँ आपको कितने सारे बच्चे हुए हैं। टैंक सही है, हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से अब मौसम भी ठीक हो गया और बाकी हमने एसी यहाँ भी लगा दिया, क्योंकि भाई एसी इधर लगाने का कारण क्या था कि ये वाला जो कमरा है ना जहाँ पे अपने डॉग्स रहते, ये इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है क्योंकि बहुत बड़ा कूलर लगा हुआ है यहाँ पे,
बट जो ये वाला कमरा है ना, इसमें कूलर भी छोटा है और एक रूम भी बड़ा है, और ये रूम बड़ा है और इसके अंदर जो एक्वेरियम्स है ना वो बहुत, मतलब सिर्फ अपना वाटरफॉल एक्वेरियम को छोड़ के और सारे एक्वेरियम का ना पानी गर्म हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स की भी डेथ हो रही है कई प्लांट्स की, ठीक है, और फिशेज को भी इशू आ रहा है, और ये छोटे बच्चे इनको भी ध्यान देना पड़ेगा जो फिशेज के, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एसी लगवा दिया है ताकि एक मेंटेन, ताकि एक टेम्परेचर मेंटेन हो अच्छे सही लेवल पे। और यार गर्मी में तो भाई कोई सही नहीं रहता है यार, ये कैसे सही रहेंगे, तो ये इशू आ रहा है भाई बहुत तकड़े वाला, इससे ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है। तो ये अपडेट थी दोस्तों, अब चलते हैं घर पे और जाके पापा से पूछता हूँ कैसा अपडेट है और हेलो से मिलाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों हेलो आ गई है और हेलो को पापा ले आए, थोड़ी तो मेरा बेटा आया है, हेलो आजा आजा आजा, देख कैसे देख रही है, अरे आजा बेटू, एक्चुअली डॉक्टर के पास ले गए थे हेला को, हेला के लिए डॉक्टर ने कहा एक बार इसको लिवर की कोई दवाई दी है और वो मैं अभी दे रहा हूँ इसको, और उन्होंने यूँ कहा कि इसका नहीं, इसकी ब्लड कल ब्लड रिपोर्ट करवानी है, टेस्ट करवाना है ब्लड, तो वो यहाँ नहीं होगा रात को, वो HU में ही होगा, सो HU में जाएंगे कल, उसकी ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड रिपोर्ट वो आपको कल वाले ब्लॉग में मिलेगी अपडेट, बट इसको मैं दवाई दे रहा हूँ, अभी दवाई दे देता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। दोस्तों हमारी हेलो ये बैठी है, ले भाई ले भाई, थोड़ू आज स्टार्टिंग नहीं है, ये एंडिंग कर रहे हैं भाई, आई तो भाई हेलो वो बैठी है, और इसने थोड़ा बहुत लिया भी कुछ नहीं, अभी बस सर पे मुंह टेक किया इसने, ग्रेवी पर नहीं लिया, इसने नहीं लिया तो इसको दवाई दे दें, और फिर इसको लेके चलते हैं आज, इसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, फिर इसमें नसें कहाँ दिखेंगी और भी, तो फिर इसको लेके चलते हैं भाई, आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ही अपडेट मिलेगी इस चीज के बारे में। सो दोस्तों इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और हाँ एक और यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी नहीं पता नहीं, आज तक मैंने कभी भी किसी चीज के बारे में नहीं बोला, बट मेरी भी मोरल ड्यूटी बनती है बोलने की, क्योंकि मैं दोनों का व्यूअर्स हूँ, वो अभी कुछ टाइम में एक वीडियो आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।